आज सुबह में आप तक पहुंचा दें इस वक्त की अहम खबर। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अरुण जेटली को डिप्टी पीएम बताया है। प्रकाश सिंह बादल ने अटारी में ये बयान दिया है। तो ये बयान बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को रास नहीं आया, इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विपिन, इसे किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील माहौल है इस वक्त, और मोदी इस पर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रकाश सिंह बादल का जो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर गुवार था, अरुण जेटली को टिकट दे दी गई है, तो उनके द्वारा साफ एक भरोसा दिखाया गया है, क्योंकि अमृतसर सीट एक क्रूशियल सीट मानी जा रही है और कैप्टन अमरिंदर को कल कांग्रेस के द्वारा इस सीट पर उतारा गया और अरुण जेटली कल अटारी में पहली बार जो है लोगों से मिलने पहुंचे थे, प्रचार करने पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं मोदी के साथ जो अरुण जेटली की निकटता है उसको देखते ही प्रकाश सिंह बादल के द्वारा शायद ये बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने जो अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मोदी को प्रधानमंत्री और अरुण जेटली को जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में देखने की बात कह डाली है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है ये बयान सिर्फ प्रकाश सिंह बादल के द्वारा दिया गया है। इस पर मोदी क्या रिएक्ट करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लुभावन करने के लिए पंजाब में, क्योंकि अकाली अगर गवर्नमेंट की बात करें तो लोकसभा में उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही थी पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में, उस स्थिति को सही करने के लिए शायद इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और सीट ज्यादा से ज्यादा है इसके लिए शायद प्रकाश सिंह बादल जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि ये जो बयान दिया गया है अरुण जेटली को उप प्रधानमंत्री बनाने का, इस पर मोदी का क्या रिएक्शन आता है।